के 11 जिले कृषि आधारित उद्योग पर अधिकांश निर्भर है। बुलढाणा से लेकर गोंदिया तक प्रमुख उद्योग कृषि, राइस, सोयाबीन, कॉटन व दाल की प्रोसेसिंग पर आधारित है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन विदर्भ के पदाधिकारियों द्वारा दी गई। अधिक जिले में किसान के पास साल भर में एक फसल ही लेते हैं, वहीं अभी तक विदर्भ में किसान और उस पर आधारित उद्योग एक मजबूत उद्योजक की तरह सफल नहीं हो पाया। टाटा ने अपने पहले टेक्सटाइल उद्योग एम्प्रेस मिल को बंद करने का निर्णय लिया। आज उस नागपुर की जमीन पर हाउसिंग निर्माण हुआ है। टाटा ने भी नागपुर में उद्योग लगाने की रुचि नहीं ली, जबकि नागपुर की सेकेंड राजधानी भारत के मध्य में स्थित अच्छे रोड मार्ग से पूरे भारत से जुड़ा हुआ लेकिन दमदार राजनीतिक केंद्र होने पर भी औद्योगिक विकास से बहुत दूर रहा। विदर्भ विभाग महाराष्ट्र में सिर्फ प्रदूषण की मार झेल रहा है और 90% से अधिक उत्पादित थर्मल पावर की विद्युत विदर्भ से बाहर दे रहा है, जिसकी वजह से मुंबई, ठाणे, नासिक, पुणे को जरूरत अनुसार 40 वर्ष से नियमित विद्युत पुरवठा हो रहा है और बॉयलर का तापमान प्रदूषण की मार थर्मल पावर स्टेशन निर्मित करने वाले चंद्रपुर, नागपुर, भंडारा, अमरावती झेल रहा है। क्रॉस सब्सिडी का भार भी यहां के उद्योग महंगी बिजली लेकर घाटे में या अल्प मुनाफे में ही उद्योग चला पा रहे हैं। आज राज्य शासन को जरूरत है कि विदर्भ के उद्योग को जीवित रखने के लिए विद्युत दर में 4 रुपये प्रति यूनिट की छूट दे। कृषि उद्योग सीजनल होने से जब मॉनसून में उत्पादन न होने से उसे बिजली की डिमांड चार्जेस न लिए जाए। कृषि उद्योग से अधिक आय न होने से इन परिवारों की नई जनरेशन जॉब्स की ओर आकर्षित होकर महानगरों की ओर आकर्षित हो रही है और उसे रोककर कृषि उद्योग को विकसित करना जरूरी है। विदर्भ के कृषि उद्योग राज्य की उद्योग प्रोत्साहन नीति के वजह से आगे नहीं आ पाए, इसके लिए विदर्भ कृषि उद्योग प्रोत्साहन योजना की अति आवश्यकता है। आज मैं आप और हम विदर्भ के लिए विकास दूत है। आज सबसे बड़ी जरूरत है कि विदर्भ में 5 लाख करोड़ का मिनरल फॉरेस्ट और कृषि है, उसके बावजूद भी हमारे विदर्भ के युवा, जो भारत युवाओं का देश कहते हैं, बाहर जा रहा है। सबसे बड़ा नागपुर महाराष्ट्र की सेकंड कैपिटल है, भारत के मध्य में स्थित है। यहाँ पर आईटी सेक्टर के बहुत प्रोस्पेक्ट्स है, फार्मा के प्रोस्पेक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक के प्रोस्पेक्ट है, यहाँ पर डिफेंस के प्रोस्पेक्ट्स है, कृषि आधारित उद्योग के प्रोस्पेक्ट्स है, लेकिन इंसेंटिव और हमारे लोगों के बीच में जो प्रमोशन होना चाहिए वो प्रमोशन नहीं आ पा रहा। आज उड़ीसा गवर्नमेंट कॉन्क्लेव कर रही है, इंडस्ट्रीज को इनवाइट कर रही है, राजस्थान गवर्नमेंट इनवाइट कर रही है, MP इनवाइट कर रही है, कर्नाटक इन्वाइट कर रही है, तो विदर्भ के नाम से महाराष्ट्र में अलग से कॉन्क्लेव, बॉम्बे, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली और दुबई में होना चाहिए। आज हमारे पास कोयला है, आज हमारे पास आयरन ओर है, आज हमारे पास मैगनीज है, आज हमारे पास कॉपर है। ये सब मिनरल होने के बाद आज हमारे लोगों को बाहर क्यों जाना पड़ रहा है और इंडस्ट्रीज लोग विदर्भ के प्रति क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं? टाटा को यहाँ से क्यों जाना पड़ा, यहाँ से वेदांता को क्यों जाना पड़ा? कुछ न कुछ हमको ऐसा अट्रैक्शन देना पड़ेगा जिससे कि इंडस्ट्रीज आए और यहाँ पे पनपे। जैसे टाटा ने सबसे पहली मिल, इम्प्रेस मिल अपने करियर की नागपुर में शुरू की, विदर्भ से शुरू की, तो हमारी गुजारिश है 11 जिले में यहाँ पर कृषि आधारित है, 4 जिले में डिफेंस है, डिफेंस में दुष्यंत जी अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी पेट्रोलियम में हमारे प्रदीप माहेश्वरी जी कर रहे हैं। इन सबके राय से विदर्भ में काफ़ी अच्छा विकास हो सकता है। हमारे पास 5 लाख करोड़ की जो संपत्ति है उससे अच्छा विकास हो सकता है। यहाँ के उद्योगों को क्रॉस सब्सिडी इलेक्ट्रिसिटी में ख़त्म कर देना चाहिए, सोलार पे सब्सिडी देके उनको आगे लाना चाहिए और यहाँ के उद्योगों को बढ़ाने के लिए सरकार ने जितना हमारा नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा भरपाई देके उद्योगों को आगे आ सके, यहाँ का उद्योग यहाँ पर रहे, यहाँ का युवा यहाँ पर रहे और नागपुर, यहाँ के बाकी सभी जिले का विकास हो, हम ये मांग सरकार से करते हैं। आज महानगर में माल उत्पादित भेजने से ग्रामीण भाग के कृषि आधारित उद्योग को ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगभग 20% अन्य स्थान से ज्यादा देना पड़ रहा है। उसके लिए इन ग्रामीण भाग के कृषि उद्योग को प्रोत्साहन देना ज्यादा जरूरी है। कैमरा पर्सन अमोल के साथ क्षितिज देशमुख, BCN News, नागपुर।